फतेहपुर जिले में करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी होने से हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर के पुजारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मूर्तियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जहानाबाद थाना क्षेत्र के लालूगंज पक्का तालाब इलाके में ठाकुर मंदिर से भगवान की श्री कृष्ण की और लड्डू गोपाल की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गयी। रात में पूजा करने के बाद मंदिर का पुजारी घर चला गया और सुबह आकर देखा तो अष्टधातु की करीब 2-2 फुट की दोनों मूर्तियां अपनी जगह से गायब मिली। जो है करीब 45 वर्ष से काम कर रहे हैं और मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करके शाम को अपना चले गए घर अपने। सुबह जब पूजा करने आए तो उन्होंने बताया कि मूर्ति कृष्ण जी की और गोपाल जी की। सूचना जो है मालिक को दी गई और इसकी जो है एफआईआर थाने में की गई है। मूर्ति जितेंद्र प्रताप सिंह निवासी कस्बा जहानाबाद द्वारा अपने करीब 250 वर्ष पुराने मंदिर से 2 मूर्तियां चोरी होने के बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सशस्त्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही मूर्ति चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा तथा मूर्तियां बरामद की जाएंगी। अष्टधातु की मूर्तियां गायब होने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मंदिर प्रांगण में लोगों का हुजूम जमा हो गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि मूर्तियां वर्षों पुरानी हैं। आसपास के ग्रामीण हमेशा इस प्राचीन मंदिर में पूजा के लिए आते रहे हैं। मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाकर जल्द से जल्द मूर्तियां खोजने की बात कही है। फतेहपुर से जनमत न्यूज के लिए भीम शंकर की रिपोर्ट।